ज़्यादा खटक रही कि हो सकता है कि ये खराब, मतलब वो कोई पीस खराब निकला हो, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे ये देख रहे हो ये चीज़ है, ये गत्ता लगा रखा नीचे, चिपका रखा गत्ते पे, ये जो ऊपर का ग्लास है। मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और 5 क्या हुआ, उठ तो गए लेकिन बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब कल दिन से ही लगा था कि बारिश होगी, लेकिन फाइनली अभी रात से मतलब 4 बजे से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश। तो मन कर रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजो ना भेजो, तो उठ तो गई हूँ मैं, फिर देखते हैं ना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं। अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो नहीं भेजूँगी, और ठीक ठाक रहा मौसम तो भेज दूँ, क्योंकि बार मैं दिखाती हूँ अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और हम बोल गए अभी तो रात ही है, बाहर पे रात है, रात तो काफ़ी तेज़ बारिश। आज बिजली भी इतनी तेज़ चमक रही थी, मैं सोच रही थी कि बाहर क्या ऐसा गिरा है, वो तो देखने के लिए ऐसा क्या गिरा है, तो देखा तो बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। बारिश अभी रात भी नहीं खुली बाहर पे, क्योंकि आजकल अभी रात खुल रही है 5:30 बजे के बाद, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे सर्दी आती रहेगी तो वैसे रात थोड़ा लेट से खुलेगी। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में बना लेती हूँ बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को हम टिफ़िन में कुछ भी दे सकते हैं, बच्चों के मनपसंद का या अपने पसंद का दे सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सैटरडे है तो माही और बीबू को आज ब्रेड पकौड़ा दिया जाए। तो चलो जल्दी से तैयारी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट बनाने की, और मिलते हैं आपको थोड़े देर में। उठ चुके हैं और मैं दोनों को खिला रही हूँ, और टाइम हो गया है 6:15। तो आज अभिमान भी उठ गया माही के साथ ही, जैसे मैंने माही को आवाज़ मारा कि उठ जाओ, तो माही के साथ साथ बीबू भी उठ गया आज, जबकि बीबू 7:30 बजे उठता है। तो अभी दोनों ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, तो मैं भी फटाफट से बच्चों के लिए बना देती हूँ टिफ़िन, और फिर माही को तैयार करना है। तो बच्चे हो गए तैयार, और बीबू अपनी दीदी को छोड़ने के लिए इसने भी अपनी बरसाती पहन ली, और माही तो हो गई बिल्कुल रेडी। और ये देखो बीबू को लग रहा है पेंगुइन, लग रहा है बीबू पेंगुइन। माही को छोड़ने जाएगा पेंगुइन बीबू। बारिश, बीबू भी साथ में ही तैयार हो गया था, और अभी बारिश रुक की नहीं, गाइस हो ही रही है, लेकिन क्या करें, बच्चों को स्कूल तो भेजना है, यहाँ पे बारिश तो 2 महीने होती रहती है, तो किस दिन छुट्टी करे किस दिन ना, तो बस अभी जा रही हूँ माही को छोड़ने। इसकी बरसाती थोड़ा सा लूज़ है बीबू के, चले बिल्कुल पूरी रोड खाड़ी, तो मुझे बैन वाले को पहले फ़ोन करना पड़ेगा भैया को कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मत कर माही, अंदर जा। तो माही चली गई स्कूल, और मैं और विवान जा रहे हैं अब घर। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो विवान को स्कूल तो भेजना है, क्योंकि विवान के पेपर चल रहे हैं, तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते कि चलो विवान को नहीं भेजना है, लेकिन विवान को भी भेजना पड़ेगा। तो चल, अरे आराम से गिरोगे, डॉगी भाग भाग के आ रहा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, ये कुछ परेशान सा लग रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, बारिश में भीग रहे ना बेचारे, क्या हो गया कालू, क्यों परेशान हो रहा। अच्छा, इसने विवान को देखा भागते हुए, उसको अजीब सा लगा, इसलिए ये डर रहा है। तो देख दोनों के दोनों डॉग देख कान खड़े करके बिल्कुल डर रहा है। टीवी नहीं, चलो अंदर, चलो घर के अंदर। आगे घर पे, और अपने फटाफट से काम निपटाते हैं, और हो गया बिल्कुल स्कूल जाने के लिए, और अब मेरी बारी बीबू को छोड़ने की है। और बारिश अभी भी नहीं रुकी, बारिश अभी भी हो ही रही है। बीबू क्या लेके जाएगा, छाता। बीबू कह रहा मुझे साइकिल पे जाना है, लेकिन लेके जा सकती, अभी भी हो ही रही है। तो मैं बिल्कुल पूरा काम निपटा के नहा के तैयार हो चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ विवान को छोड़ने, और फ़ोन घर पे छोड़ूँ, क्योंकि बारिश हो रही, पानी पड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब विवान को छोड़ के आ जाऊँगी। ओके, अभी मैं विवान को स्कूल छोड़ के घर आ गई हूँ, और अब काम तो ऑलमोस्ट मेरा सारा हो चुका है, और अब इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, तो अपने लिए रोटी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ब्रेड पकौड़ा उतना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कभी खा लेती हूँ लेकिन ऐसा पसंद नहीं है। तो मैं अपने लिए बनाती हूँ अभी ब्रेकफास्ट।
तो मैं बना रही हूँ अपने लिए, रोटी तो बन चुकी है और मैं प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पत्ते भी तोड़ के लाई मैं, मैंने अपने गमलों में वो रखे है प्याज, तो मैं ये वहीं से तोड़ के लेके आई। तो बस इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ अपने लिए। कैसे 5 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो गया, हरे प्याज के पत्तों की सब्जी, प्याज की। तो अब चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। कितनी अच्छी लग रही ना सब्जी देखने में, हरे हरे, मतलब थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रखा, पूरा नहीं पकाया। तो ये देखो, मुझे फ़ोन आ गया फ्लिपकार्ट से, क्योंकि मैंने कुछ स्पेशल चीज़ ऑर्डर कर रखी है, तो वो आने वाले। तो मैं जा रही हूँ घर के बाहर, तो अभी देखना स्पेशल चीज़ क्या, आप भी देख लेना। तो आने वाले हैं वो, था ना वो आ गया, वो देखो आ गया। आराम। तो पीवान को मैं स्कूल से लेके भी आ गई और अपना पार्सल भी आ गया। चलो नीचे रखो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो ये आ चुका है अपना पार्सल, तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे थोड़े देर में, अभी नहीं फाड़ना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें मैंने क्या ऑर्डर करा, तो बाद में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगी। तो चलो करते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग। और मैं कुछ भाई को ही रुक रही थी, क्योंकि फिर हमारा कोई कैमरा मैन नहीं था, इसलिए खोलते हैं खजाना, देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। बेटा रुक जा, ये उल्टा तो नहीं रखा मैंने। रुको 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 माही, कब से सोच रही थी मुझे चूल्हा चाहिए चूल्हा चाहिए चूल्हा चाहिए। गाइज हम लोग जो ये है वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये चीज़ मेरे को ज़्यादा खटक रही, कि हो सकता है कि ये ख़राब, मतलब वो कोई पीस ख़राब निकला हो, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे ये देख रहे हो ये चीज़, ये गत्ता लगा रखा नीचे, चिपका रखा गत्ते पे, ये जो ऊपर का ग्लास है। तो ये चीज़ थोड़ा अच्छी नहीं लग रही, कि जब हमने इतने पैसे वेस्ट करे इसमें तो फिर इस तरह की क्वालिटी क्यों ले हम। तो मैं वापस कर रही हूँ इसको गेट, और मैं लेके आ गई थोड़ा बहुत सामान। और अब जैसा कि सावन ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो अब हम लोग नॉन वेज खा सकते हैं, तो मैं अंडे भी लेके आ गई। तो ये है थोड़ा बहुत सामान, तो क्योंकि हम लोग सावन में बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते हैं, और फिर इसके बाद जन्माष्टमी आ गई थी, नवरात्रि आएंगे तब भी नहीं खाएंगे हम लोग। तो मैं गई थी, मैंने कहा चलो, बच्चे भी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि हमको एग खाना, तो मैंने कहा लेके आ जाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो आज मैं खाने में वही बना रही हूँ सबके लिए, ऑमलेट और रोटी बॉयल, मतलब इनको हाफ बॉयल खाना। तो सबसे आसान है कि एक मिनट में कैसे हाफ बॉयल बनाए, तो इसको ऐसे ढक्कन से कर दो और एक मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। हमने खा लिया है खाना, और टाइम आज तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10:30 से ज़्यादा हो गया, और हम लोग आराम से इसलिए सारा काम कर रहे हैं क्योंकि कल है संडे और हम आराम से उठेंगे, सारा काम कल आराम से होता है। तो अभी तो बच्चे पेंटिंग में लगे हुए, ये अभी पेंटिंग ही करी, लेकिन इसकी पता ही है पेंटिंग इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अभी मेरी बेटी 2nd क्लास में है, तो जो ड्रॉ करती है बहुत अच्छा करती है। तो चाहे भले अभी इसकी हम सोच रहे हैं कि चलो इसके पेंटिंग में अगर इंटरेस्ट है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, तो एनी टाइम करती रहती है ड्रॉ। तो ये देखो, डॉक्टर बनूंगी, अच्छा, पेंट क्लास चलाऊंगी।
और विवान क्या बनेगा? एक अच्छा इंसान। तो बातें तो होती रहेंगी और बस आज के लिए बस गाइस इतना ही। तो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं हम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को जो खास कर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक विवान बाय बाय। तब तक बाय बाय और अपना ख्याल रखिए।